A very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you in English Shoppers Academy. In today's class, we will discuss the various uses of a voice, and as far as today's topic is concerned, we will discuss thoroughly about past perfect continuous tense. So in this topic, we have two main keywords, since and for, which are very important to understand before we start the topic. So since and for के बारे में सबसे पहले हम अगर समझेंगे तो इनका दोनों का यूज जो है वो टाइम के लिए होता है, ठीक है। पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो यू कैन गो एंड यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिलेटेड टू टेंसेस, सो इन विच यू विल गेट द होल डिटेल और द फुल डिटेल अबाउट सिंस एंड फॉर। लेकिन फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं और सिंस और फॉर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंस जो हमारा है वो किसके लिए यूज होता है? सिंस हमारा जो है वो और फॉर, ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? ये दोनों होते हैं टाइम के लिए, ठीक है, टाइम के लिए यूज होते हैं। यानी कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दीज टू आर यूज एज फॉर एज द टाइम इज कंसर्न, ठीक है। अब टाइम के लिए तो यूज होते हैं, लेकिन अब टाइम में भी कौन सा टाइम? तो एक होता है हमारा जो सिंस है, ये होता है, ये किसके लिए होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो फॉर है, ये है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि अब इसको एक बार और ढंग से देखते हैं तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो निश्चित होता है, यानी कि सर्टेन होता है, इसको आप सर्टेन भी कह सकते हैं, और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो अनिश्चित होता है, उसे अनसर्टेन भी कह सकते हैं। सो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंस एंड फॉर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। If you don't know the rules and how these two keywords are used, you will not able to prepare any sentence related to any perfect continuous tense. यानी कि चाहे वो present का हो, चाहे past का हो, या फिर future का हो, ये problem आपको आएगी, ठीक है। तो ये हमारा concept clear हो गया। दूसरी बात आप समझ लेते हैं कि ये हम passive की बात यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे continuous होते हैं, कौन से परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनका पैसिव नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो हम यही, ये मतलब एक कंफ्यूजन दूर कर लें, तो यहां पे हम लिख देंगे नो पैसिव, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि इसका पैसिव नहीं बनता है। अब हम देखेंगे जो एक्टिव पार्ट है उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो फार्मूला क्या है, इसके फार्मूले की तो बात ही हम नहीं करेंगे, और इसका जो फार्मूला है वो क्या है? इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड बी प्लस वी वन आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक है। तो ये इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तब सबसे पहले हम देखते हैं, दो दो एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, जैसे दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली since ट्वेंटी नाइनटीन, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंस वाला हो गया, यानी कि अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे 2019, बिकॉज वी हैव ओनली वन टाइम,
यानी कि 2019 एक बार आता है तो ये हमारा क्या हो गया, ये निश्चित हो गया, यानी कि ऐसा तो नहीं बार बार आएगा, ठीक है, ये क्लियर आपका हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। अब देखिए ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर हाफ एन आवर, अब देखिए हाफ एन आवर यहां पे फॉर आया है, ठीक है, तो ये अनिश्चित हो गया, दिस इज नॉट सर्टेन। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज वी डोंट नो विच हाफ एन आवर, यानी कि कौन सा आधा घंटा, भाई 24 घंटे में कौन सा आधा घंटा, ये हमें पता नहीं है, तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक और, वी हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए सिंस मॉर्निंग आ गया, सिंस मॉर्निंग में क्या है, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो आपका निश्चित है, समझ में आपको आ गया होगा। We have 24 hours day and night and the morning is certain, क्योंकि morning जब मतलब time होता है तभी, ऐसा नहीं कि शाम को सुबह हो जाएगी, ठीक है, या सुबह को शाम हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं, तो ये हमारा certain है, निश्चित है, तो इसलिए यहाँ पे since आया। फिर देखिए the farmer had been working फॉर 10 days, ठीक है। अब देखिए फॉर 10 days आ गया, कौन से 10 दिन हमें नहीं पता है, ठीक है, कौन से, ये भी अनिश्चित हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए रानी हैड बीन राइटिंग अ लेटर और वन आर, ठीक है, वन आर। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स आपके हो गए, जो मतलब इसके थे। अब इसमें देखिए समझ लेते एक बार है कि एज फॉर एज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज कंसर्न, वी डोंट हैव एनी पैसिव, इसका पैसिव नहीं होता है, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। चूंकि हम वॉइस यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसीलिए हमने ये टॉपिक भी लिया। और वी हैड सीन 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव एंड एज फॉर एज पैसिव इज कंसर्न, इट हैज नो पैसिव, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी डोंट हैव एनी पैसिव, ठीक है। और सिंस फॉर का भी यूज हम लोगों ने देख लिया लगभग किस तरह से होता है, क्या है इसका यूज। तो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, एज वी वर समहाउ बिजी सो वी कुड नॉट सेंड सम वीडियोज, बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट एंड वी विल कंटिन्यू इन दिस मंथ, ठीक है। तो लगभग वीडियो आपको लगातार मिलेंगे और जो सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़ रहे हैं लगभग, है नहीं, ठीक है, तो सपोर्ट आपका जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट।